चलिए देखते हैं आज हो जमी की बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और उनके दोस्त का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इतना चर्चा का विषय बन गया कि देखते ही देखते सभी लोगों के मोबाइल पर मांग होने लगी इस वीडियो की। आखिर ऐसा क्या है जिसे सभी देखना चाहते हैं। हालांकि सभी जानते हैं कि ये एक अश्लील वीडियो है, लेकिन आपको बता दें कि इतनी ज़्यादा मांग हो चली है। आप किसी भी वीडियो में देखिए जिसपे लिखा हो रीना ठाकुर और उपेंद्र पंडित, तो बस तुरंत मांग हो जाती है कि भाई हमें भी भेजिए, भाई हमें भी देखना है। तो ये क्या मानसिकता दर्शाती है, ये एक सोचने वाली बात है। चलिए बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से जो वीडियो वायरल हुआ, इस वायरल वीडियो में दोनों किसी बाथरूम में नजर आ रहे हैं। अश्लील वीडियो होते हुए भी जितना शेयर हुआ है, जितनी मांग हुई है इस वीडियो की, वो अपने आप में चौंका देने वाले हैं। आपको बता दें कि इतना वीडियो वायरल होने के बावजूद भी दोनों की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। रीना ठाकुर हिमाचल भाजपा महिला मोर्चा की सदस्य हैं, जबकि उपेन पंडित भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं। और ये वीडियो 12 मिनट का है। वीडियो सामने आने के बाद सबसे बड़ी बात एक ही सामने आ रही है, एक तो इन दोनों की तरफ से कोई बयान नहीं आया है और विपक्षी दल आलोचना कर रहे हैं, पार्टी की तरफ से भी इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी बात ये कि आखिर ये वीडियो सोशल मीडिया तक कैसे गया। एसपी गौरव ने इस बारे में कहा है कि साइबर सेल से बात की जा रही है कि अश्लील वीडियो होते हुए भी कैसे वायरल हुआ, इसके पीछे कोई साजिश है या किन कारणों के चलते ये वीडियो वायरल हुआ, इस बात को लेकर पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। पर जिस तरह से इस वीडियो की डिमांड रही है, उसने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसा क्या है इस वीडियो में जो कि इतनी मांग हो रही है इस वीडियो की।